अब यहां पे गाड़ी से धुआं निकलता है। मैं बोलता हूँ यार, अरे दिक्कत ही नहीं है, गाड़ी से चल के पी लेंगे, है ना। फिर गाड़ी रुक जाती है, मैं बोलता हूँ यार ये क्या सीन हो गए बात। तो भाई लोग कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक, बैक द वेलकम, और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू PUBG दो मोबाइल गेम प्ले वीडियो में, जिसमें यार कूट कूट के दबा दबा के गलत सीन भरे पड़े हैं, है ना। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यार बाद में जाके गलत सीन होगा, ठीक है, मतलब बाद में भी होंगे, लेकिन यहाँ पे उतरते ही जब पहले ही फाइट होती है यार, उस पे ही गलत सीन होने वाले होते यार। ठिलते ठिलते बचता हूँ, और यार अगर ठिल जाता ना बहुत शर्मनाक हो जाता। देखो यार क्या होता है, मैं यहाँ पे ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये बंदा ये पबजी क्यों खेल रहा है। इसे होना चाहिए WWE में कतई, है ना। मतलब भाई ने मुक्को से इतनी बुरी हालत कर दी मेरी, मतलब यार एक टाइम को तो मन कर रहा था गनगुन छोड़ू, इसको दे दूँ गनगुन और भग लूँ यहाँ से। मतलब यार मुक्को से पेटी बना देता है, गलत ही सीन हो जाते। मतलब शॉर्ट गन थी मेरे पे, लेकिन यार मजा ले जो उसकी एक गोली लग जाए, है ना। फिर आखिर में भैया कट्टाबाजी पे उतरना पड़ा, नहीं तो यार पेटी बन जाती, वो भी मुक्को से, बहुत दुख होता। खैर अभी इसको पेल दिया जैसे तैसे, दो बंदे होते, ये पता नहीं कहाँ से आए होते भाई, दोनों की पेटी बन चुकी है। अब मैं आगे जा रहा हूँ, है ना। अभी भी शॉर्ट गन पड़ी है भाई पे, लेकिन भाई है तुम्हारा ढीट, तो इसी शॉर्ट गन से सबकी पेटी बनाएगा या अपनी बनवा लेगा। अब देखो वो तो बहुत ही बढ़िया बात थी कि उस बंदे पे कोई गन नहीं थी, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे मैं शॉट मिस करता ना, मेरी पेटी 100% बनती, क्योंकि यार ये मुक्के नहीं थे भाई, इन पे भी शॉट गन गनगुन थी, तो मजाक नहीं चल रहा था। यहाँ पे ये भी पेटी बनाते मेरी बिल्कुल ही। खैर यहाँ पे भी दो बंदे बचे पड़े होते तो इन दो की भी पेटी बन गई होती है, लेकिन उतने में ही आगे से फुटी स्टेप वगैरह आ रहे होते हैं, है ना। मतलब इन दो की पेटी बना दी, लेकिन बंदे अभी भी बाकी हैं, वो भी इसी घर के आसपास। तो मैं धैड़ पैड़ ये दर्द मारो दवा खा लेता हूँ, उसके बाद तैयार हो जाता हूँ स्प्रे वगैरह देने के लिए, क्योंकि यार आखिरकार सकारे मिल चुकी है मुझे। और यार आखिरकार एक ऑटोमेटिक गन चला के ना भाई, मजा टैप आ गया बिल्कुल। मतलब यार वही शॉट गन खचाखच दो बार चलाओ, फिर वो गोलियां डालता है उसके अंदर, है ना, फिर ऊपर करता है वो शॉट गन की नली को, फिर चलाओ, फिर दिमाग खराब हो जाता है यार। मतलब फायर के बटन को दबा रखो और गोली निकलती जाए, उसमें अलग टाइप की फीलिंग आती है। और उस वो सब छोड़ा यार, यहाँ पे गाड़ी लेके न जाने कौन आ रखा है। अब एक मैं हूं जो अभी तक शॉटगन लेके घूम रहा है ना। मतलब सकारे है, लेकिन दूसरी गन शॉटगन है मेरे पे। फिर आते हैं ये लोग भाई, इन पे लूट भी है और गाड़ी लेके यहां पे आ रखे यार। मतलब कैसे इतना तेज कोई कैसे हो सकता है। खैर ये आखिरी बंदा होता है ना, उछलते कूदते हुए आते हैं भाई, तो भाई की भगते भगते पेटी बन जाती है। मेरे ख्याल से भैया ये कहीं से फाइट फुइट करके आ रहे थे, हेल्थ की ऐसी तैसी हो रखी थी। खैर इन सबकी पेटी बना दी, चेक्स भी मिल गया है, और मुझे नहीं पता मुझे क्या होता है। मैं बोलता हूँ भैया इस मैच में सकारेल चलाएंगे, ठीक है। मतलब देखो बहुत ज़्यादा नहीं चला था मैं, लेकिन अब क्या करें, मैंने बोला क्यों ना ट्राई करके देखा जाए, और उसके ऊपर से मैंने इसमें 6x भी पेल दिया, तो हाँ सस्ते स्प्रे देखने को मिलने वाले हैं। खैर इससे पहले कि मैं जाऊं और शॉटगन से गलत सीन करूं, हम डेड पैड बात कर लेते हैं हमारे स्पॉन्सर की। तो यार इस ऐप या फिर वेबसाइट का नाम है 1xbet, जो कि एक बहुत बड़ी और ट्रस्टेड बैटिंग वेबसाइट है। इसकी मदद से आप कई सारे स्पोर्ट्स जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, अंग्रेजी ढंग से बोलनी पड़ेगी, वॉलीबॉल और भी कई सारे स्पोर्ट्स पे बैट लगा सकते हो। साथ ही साथ इसमें ई स्पोर्ट्स भी अवेलेबल है, तो आप उस पे भी बैट लगा सकते हो और अपनी प्रिडिक्शन स्किल्स के थ्रू पैसे अर्न कर सकते हो। और इसमें आपको लॉगिन करके मेरा प्रोमो कोड यूज करते ही मिलता है 7,000 रुपये का बोनस आपके फर्स्ट डिपॉजिट में। तो हाँ यार अगर आपको इस चीज़ का शौक है तो इसको जरूर ट्राई करके देखो, इसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। और हाँ इसमें कई सारे मिनी गेम्स भी है, और पैसे विड्रॉ आप पेटीएम से आराम से कर सकते हो, लिंक कमेंट सेक्शन में है।
खैर उस सब के बाद हम आ चुके हैं रोजॉक की पहाड़ी में। और यार आपने एक मैच खेला और उसमें आप रोजॉक की पहाड़ी में नहीं गए ना यार, तो क्या ही खेला आपने फिर? अब वहां दूर पे दिखती है मुझे गाड़ी और बंदे, तो मैं अपना 6x निकालता हूं। अब हमारे ये भाई पूरा ओपन से रस कर रहे होते हैं, है ना? और ऐसा भी नहीं कि यार एक सस्ता सा रस कर दिया, नहीं यार, बंदे का स्प्रे भी बहुत तगड़ा है, तो जो भी करना होगा संभल के करना होगा। अब यहां पे आप देख पा रहे होगे कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं दे रहा हूं फुल चौड़ में स्प्रे, है ना? और उसके बाद मैं देखता हूं अपनी गोलियों को, ठीक है? गोली के नाम पे भैया कद्दू कुछ नहीं बचा है, लेकिन चौड़ स्प्रे की कम नहीं हो रही है मेरी, और ये भुगतना पड़ेगा यार मुझे आगे जाके। अब यहां पे मैंने स्मोक में बिना मतलब एडजस्ट करने की कोशिश की, देखो एडजस्ट तो कद्दू भी नहीं हुआ, कोई भी नहीं ठेला, लेकिन यार मेरी सारी गोलियां खत्म हो चुकी है, ठीक है? मतलब एक जो 38 गोली बाकी है वही है, और मैं बोलता हूं यार कोई नहीं, दूसरी गन निकालेंगे, और ये होती है मेरी दूसरी गन। तो यहां पे मुझे पता चलता है मेरे पे दूसरी गन एक शॉट गन है, और यार तांबे पे सुहागा करने के लिए लाल जोन भी मेरे ऊपर ही बनता है। और यहां पे आके मेरी सारी की सारी चौड़ जो होती है ना, जो मैं पहले अंधा स्प्रे दे रहा था, ठीक है, स्मोक में पेल रहा हूं, मुझे पता है कोई भी कद्दू भी नहीं ठीलेगा, उसके बाद भी गोलियां पेल रहा होता हूं, है ना? अब देखो क्या हालत हो गई है भैया, एक एक गोली चलानी पड़ रही है, ठीक है? वो भी मन पे गिन के चला रहा हूं मैं कि भैया गोली खत्म ना हो जाए, क्योंकि देखो शॉट गन है यार, शॉट गन से क्या ही उखाड़ लूंगा मैं, वो भी इतने दूर। और उसके बाद मेरे पे एक आधा स्मोक होता है, मैं यहां पे फेंकता हूं, है ना, इस सोच में कि यार ये जो पेटियां बनाई है उसको लूट लूंगा, ठीक है? तो बाद में पता चलता है कि पेटी समोक के आगे है, और अगर आगे गया ना मैं तो यार उस पेटी का लूट का पता नहीं, लेकिन मेरी पेटी जरूर बन जाएगी, वो भी उसी रोड पे। अब उस बंदे का हाथ का एक बाजू दिख रहा होता है, मैं बोलता हूं यार पेलो इसे गोली, और बंदा धेड पे नॉक होता है। उसके बाद मैं फटाफट जाता हूं रोड के पास, अंधा लूटता हूं, ठीक है? मैं बोलता हूं यार पेटी बनाए चाहे कुछ भी हो, जल्दी लूटूंगा मैं, और उसके बाद रस करते हैं हम। अब यहां पे मैं सोचता हूं यार शॉटगन उठा ही ली है, तो क्यों ना एक बार उसे इस्तेमाल भी कर दूं छोड़ने से पहले। और अब क्योंकि एमओ की कमी बिल्कुल भी नहीं है, तो यार बोट को भी कतई सटाइल में पेलता हूं ना, बेफालतू में पीक पाक दबा दिया भैया, सटाइल हो गया। वैसे सटाइल भी नहीं है, इससे बस एम खराब होता है, लेकिन हाँ यार मजा बिल्कुल ज्यादा ही आता है। मतलब ये करके देखो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, भले ही आप बोट क्यों ना पेलो, है ना? लेकिन अगर आप ये बंदों पर ये हरकत करते हो तो आपकी पेटी भी बन सकती है, तो यार अपने रिस्क पे करना जो भी करोगे। खैर उसके बाद यहां पे मैं बहुत ही बुरा वाला लूटता हूं, मतलब जितनी भी पेटियां होती है सबको नंगी कर देता हूं, और निकल लेते हैं वहां पे जहां पे फ्लैट चली होती है। क्योंकि देखो जब इन लोगों पे मैं रस कर रहा था ना, जब मैं आ रहा था गाड़ी से यहां पे, मेरे उसी टाइम पे चली थी फ्लेयर गन, वो भी एक नहीं यार दो दो फ्लेयर गन। तो यार मैं सोचता हूं क्यों ना जाके कोई महंगी गने उठा लूं, तो हां यहीं पे तुम्हारे भाई को AWM भी मिलेगी, लेकिन उससे पहले यार स्प्रे वगैरह देना पड़ेगा, है ना? 6x उठाया है, सकारेल उठाई है, और सोच लिया है कि पूरे मैच तक चलाना है, तो यार सस्ते स्प्रे भी देने ही पड़ेंगे। तो मैं यहां ऊपर पे रोकता हूं, नीचे फ्लेयर ड्रॉप आ चुका है और बंदे भी आ चुके हैं डेड पैड। और यहां पे मुझे पता चलता है कि यार दो नहीं तीन तीन फ्लेयर चली हैं, है ना? और जहां पे तीन फ्लेयर चली हो वहां पे 3-4 स्क्वाड ना आए, ऐसा मेरे ख्याल से शायद ही कभी होगा।
और मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये जो लाल जोन है ना भाई, अपना पीछा नहीं छोड़ रहा है। वैसे भी यहाँ पे रुकना ही पड़ता, क्योंकि देखो गाड़ी घुमाओगे 200-400 कोड़ के बीच तो पेटी ही बनेगी। और जहां पे भी 200-300 कोड़ बैठी हो ना, वहां पे एक चीज का बहुत डर होता है, वो है किल चोरी होने का। ठीक है, नहीं यार, मुझे अपनी पेटी से कद्दू फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है बाकी बंदों की पेटी से। मतलब जिसे नोक किया उसकी किल चुर जाना यार, उसका दुख अलग लेवल पे होता है, वो दिल पे चुभता है सीधा। और मेरे ख्याल से वो बंदे जिनको मैं घुमा घुमा के गाड़ी घुमा के पेल रहा था, उनका एक आखिरी बंदा बाकी है ना, और उस बंदे पे है AUG। मतलब सही है यार, बढ़िया चलती है, सप्रेसर वगैरह लगा रखा है भाई ने शायद, तो इनको सकारेल से पेलना पड़ेगा, देखते क्या होता है। खैर यहाँ पे मचल मचल के मैं इन भाई की पेटी बना देता हूँ, लेकिन यार भाई पे सिर्फ AUG नहीं होती, ठीक है, भाई पे पड़ी होती है AWM। तो यार इस बात पे एक गलती से हेडशॉट तो बनता ही है बिल्कुल। और यार AWM उठाते ही जो पहला शॉट होता है ना यार, वही गलती से हेडशॉट लग जाता है, तो मैं समझ जाता हूँ यार किस्मत तगड़ी चल रही है, हेडशॉट लग रहे हैं, उठा लो AWM तमीज से। खैर उसके बाद आपस में 200 कॉर्ड लड़ने लग जाती है, तो आगे जाना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि नहीं गए तो यार गलत सीन होंगे। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यार वो आपस में लड़े, आपस में अपनी ही पेटियां बना ले और किल के नाम पे मुझे कद्दू भी ना मिले। तो यहाँ पे मैं AWM की गोलियां और उठा लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। खैर यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अपनी किल कंफर्म करता हूँ, है ना, मैं नहीं चाहता यार कि ये घिसड़ता बजाए, इसको कोई और आके पेल दे। और उसके बाद आगे पे धड़ पैड गोलियां चल रही होती है बिल्कुल दबा के, इन पे कमी नहीं होती गोलियों की, तो मैं आता हूँ, है ना, यहाँ पे आता हूँ और बेशर्मों की तरह किले चुराता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे बंदे का नाम लाल बिंदु होता है ना, मतलब रेड डॉट लिखा होता है भाई ने, और भाई को रेड डॉट से ही पेला जाता है। खैर जो भी हो, इनको मैं छोड़ के चल देता हूँ, एक नॉक पड़ा है वहां पर मुझे पता नहीं होता बंदे कहाँ है, लेकिन यहाँ के पता चल जाता है अच्छे से। और यार इस चीज को मैं क्या ही बोलूं, मतलब इस बंदे की पूरी स्क्वाड वहां पे लड़ रही है और ये भाई इधर आके सांप बने पड़े होते हैं, बहुत ही खतरनाक। और यार मैं सही बता रहा हूं, इस दुनिया में कोई कंकुरर जाए ना जाए, ये बोट जरूर जाएगा, ठीक है, मतलब ये बोट कब से सरवाइव कर रहा है, ठीक है, इसने इसको किसी ने कैसे नहीं देखा, इसकी किसी ने कैसे पेटी नहीं बनाई, मतलब मैं जहां पे भी देखता हूँ ज्यादातर टाइम यार बोटों पे अत्याचार हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे यार ये बोट इतना आगे आ चुका है। ठीक है भैया, ये बोट कंकुरर में नहीं मिला ना यार, मेरा पबजी से भरोसा हट जाएगा बिल्कुल ही। खैर यहाँ पे AWM है तुम्हारे भाई पे, और यार गोलियां देखो, गोलियों की कमी नहीं है यार, मतलब तुम्हारे भाई पे 50 गोली पड़ी होती है, और यार 50 गोली AWM की मजाक नहीं चल रहा यहाँ पे, मतलब एक टाइम था यार सकारिल की 50 गोली थी मेरे पे। और हाँ भाई लोग, मुझे रिहो टीवी पे फॉलो करना मत भूलना, वहां पे अपन डेली लाइव स्ट्रीम करते हैं, और वहां पे अभी पोको का गिव अवे चल रहा है, तो आओ यार कस्टम रूम्स खेलो और आप पे मौका है पोको जीतने का, रिहो टीवी की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। खैर यहाँ पे एक डिरॉप हो रहा होता है ना, और डिरॉप को लेने के लिए बंदे गाड़ी खचाखच भर के आते हैं, ठीक है, तो ये लोग भी घुमा रहे होते हैं, मैं यहाँ पे सोच ही रहा होता हूँ कि करना क्या है, फिर मैं बोलता हूँ यार जो होगा देखा जाएगा, इन्हें गाड़ी से चल चल के पेलेंगे। और ये बंदे इतने खतरनाक है, मतलब गाड़ी से उतर के सांप बन चुके हैं। और यहाँ पे देखो हम गाड़ी तो फुल चौड़ में चला रहे हैं, है ना, लेकिन यार पेट्रोल को देखो, पेट्रोल कम हो चुका है बहुत, लेकिन यार ये सांप बनना बंद नहीं कर रहे हैं,
तो एक बंदा अभी भी सांप बन रखा है, इनका तीसरा बंदा किधर गया होता मुझे कद्दू भी नहीं पता होता है। खैर तीसरा बंदा लेट रखा होता है तो यार क्यों ना उसे पकड़ के पेलू मैं, और उतने में ही गलत सीन होने वाले होते हैं हमारे साथ। अब यहाँ पे गाड़ी से धुआं निकलता है, मैं बोलता हूँ यार अरे दिक्कत ही नहीं है, गाड़ी से चल के पेलेंगे, है ना। फिर गाड़ी रुक जाती है, मैं बोलता हूँ यार ये क्या सीन हो गए। बाद में पता चलता है पेट्रोल ही खत्म हो चुका है। खैर वहां से बच गए, उसके बाद इस स्क्वाड हाउस में आके बैठते हैं। हाँ आ रही है मुझे शर्म, इस सपरे के बाद मुझे शर्म आ रही है, लेकिन कोई बात यार अब क्या ही कर सकते हैं, सकारे लुठाइए तो यार जब हरकतें करोगे गेम में तो यार हरकतें भुगतनी पड़ेंगी। खैर वो बंदा बच गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तुम्हारे भाई पे AWM भी पड़ रखी है अभी। और यहाँ पे मुझे ये भी पता चलता है कि मैं अकेला बंदा नहीं हूँ जिसपे AWM है, है ना। मतलब हलवा नहीं चल रहा यार, बाकी बंदों पे भी होगी गने बढ़िया। तो एक बंदा कहाँ से पता नहीं पटका के हमारे भाई को नॉक कर देता है, धैड़ पैड़ में रिवाइव पेलता हूँ। अच्छा हुआ इन्होंने रस नहीं किया, नहीं तो दिक्कत हो सकती थी। खैर कोई बात नहीं यार, अब स्टार्ट करना ही पड़ेगा गलती से हेडशॉट चिपकाने। बिल्कुल वो बंदा आ गया, वो AWM। और ये शॉट भी मिस हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं यार ये वाला नहीं होगा यार। और यार पता नहीं क्यों, लेकिन जो स्नाइपिंग 8x से करने में मजा है ना यार, वो किसी भी स्कोप में नहीं है। मतलब 6x बढ़िया है, लेकिन यार फीलिंग नहीं आती। और यहां पे मैं कोशिश कर रहा हूं ज्यादा देर पीक ना करूं क्योंकि बाकी बंदों पे भी AWM है। खैर यहाँ पे मैं लेफ्ट और राइट में दो बंदे नॉक कर चुका हूँ, है ना। दो गलती से हेडशॉट लग चुके हैं, खाता खुल चुका है बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे देखो मैं भी रस नहीं कर सकता क्योंकि ये फैले पड़े हैं, ठीक है। पोचंकी है भैया, यहाँ पे ओपन में भगोगे तो पेटी बनते ना, टाइम नहीं लगता बिल्कुल, मतलब पता भी नहीं चलेगा कब पेटी बन गई। तो यहीं पे मैं होल्ड करता हूँ, और यार किस्मत बढ़िया साथ दे रही होती है, हर बार जोन अपने पे ही बनता है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे भाई एक बहुत बढ़िया पिक देते हैं और मैं गलती से हेडशॉट पेल देता हूँ उन्हें। इनका शायद एक नॉक है बे, हम वाले ने शायद इसको नॉक किया जिससे तूने। और यहाँ पे दिमाग लगाया जा रहा है, ठीक है। मतलब किल फीड पढ़ के हमारे भाई बोल ले इसने इनको नॉक कर दिया, इसने हलवा बना दिया, पता नहीं क्या सीन चल रहा है। मैं बोलता हूँ यार चाहे किसी ने किसी को नॉक किया हो, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। मतलब देखो आपने देख लिया, उस बंदे को मैंने घर पे नॉक किया और घर पे ही पेटी बन गई, घर के अंदर पेटी बना दी, तो सोचो यार बाहर जाने पे क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे भाई पूरा घूम के पीछे से आते हैं यहाँ पे, है ना। तो मैं स्प्रे वगैरह देता हूँ, दो चार गोली लगती है, लेकिन बंदा नो कुकी नहीं देता। खैर यहाँ पे मुझे बस एक ही चीज़ दिमाग में रखनी है अभी, वो ये है कि अगर मैं ज़्यादा देर तक खड़ा रहूँगा छत में या ज़्यादा देर तक पीक करूँगा तो पेटी बन सकती है, क्योंकि यार AWM पड़ी है बंदों पे। और ये बंदा दरवाजे से पीक दे रहा होता है तो यार मैं खड़ा होता हूँ और सीधा नॉक देता हूँ। और भाई ने दरवाजे को अंदर की तरफ खोला होता है, है ना। भाई को लगता है अरे यार दरवाजा है ऐसे नहीं टूटेगा, ठीक है। फिर मैं आता हूँ, ठीक है, मैं हूँ ढीठ, दरवाजा हो चाहे कुछ भी हो यार पेल के कोशिश जरूर करेंगे। तो मैं पहले दरवाजा फोड़ता हूँ, उसके बाद बंदे की पेटी बनती है। खैर जैसा कि मैं कह ही रहा था अपनी किस्मत तगड़ी चल रही होती है, तो हाँ अपने पे जोन बन चुका है, दो ही बंदे बाकी हैं जो भग के रस करते हैं। और इसी के साथ, इस छलांग के साथ चिकन हो जाता है, है ना। मैं सही बता रहा हूँ यार, मैं ऐसे कूदना नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था उसके ऊपर चढ़ूँ, देखूँ बंदा कैसे हील कर रहा है और तब पेटी बनाऊँ,
तो मैंने दबाया जंप का बटन है ना, लेकिन हमारे भाई को सीधा दीवार फांदनी थी कतई, तो फांदते हुए जाता है मेरा कैरेक्टर आगे। मैं बोलता हूँ यार इसको हवा में ही पेलना पड़ेगा, नहीं तो ये नीचे जाते ही पेटी बना सकता है। तो हाँ, हवा में ही चिकन हो जाता है। तो बस भाई लोग, यार आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जाते जाते वीडियो को लाइक पेलना मत भूलना, मतलब नीला करके बिल्कुल ऐसी तैसी कर दो, लाइक के बटन को नीला टैप कर दो बिल्कुल ही। और अगर आप यहाँ पे नए हो तो करो सब्सक्राइब, और भी ऐसे ही गलत सीन, सस्ती कमेंट्री, सस्ते हेडशॉट और सस्ती कमेंट्री के लिए। हाँ, मैं दो बार बोल गया सस्ती कमेंट्री, लेकिन ढीठ और आलसी होने के कारण एडिट नहीं करूंगा इसे बिल्कुल भी। तो आज के वीडियो में इतने भाई लोग, यार जाते जाते 1xBet चेकआउट करना मत भूलना, उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। और आओ यार साथ में खेलेंगे रियो टीवी पे, वहां पे डेली लाइव स्ट्रीम होती है रात के 9 बजे से। तो हाँ यार, फॉलो करना मत भूलना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। तो आज के वीडियो में इतने भाई लोग, यार कल मिलते हैं, बाय बाय।